click the bell icon and never miss another update from Bollywood Spy. अक्षय कुमार की हालिया रिलीज टॉयलेट एक प्रेम कथा इस साल की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये फिल्म रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर सैलाब साबित हुई थी और अब तक ये सटायरिकल कॉमेडी डट कर खड़ी है। लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि ये फिल्म एक दिन इंडियन सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी फिल्म बाहुबली 2 को भी टक्कर देगी? जी हाँ, इस न्यूज को सुनने के बाद हम भी आप ही की तरह हक्के बक्के हो गए थे। बता दें, अक्षय कुमार की ये फिल्म बाहुबली 2 को भी टक्कर देती नजर आ रही है, जबकि बाहुबली 2 हिंदी ने 462.77% प्रॉफिट कमाया था, वहीं बहुत ही कम बजट पर बनी टॉयलेट एक प्रेम कथा ने 400.62% मुनाफा कमाया है। तो दोस्तों, टॉयलेट एक प्रेम कथा के इस धुआंधार सफलता के बारे में आपकी क्या राय है, हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। अजय देवगन की बादशाहों के लिए है एक धमाकेदार गुड न्यूज। वेल, अब फाइनली अजय देवगन चैन की सांस ले पाएंगे, क्योंकि फिल्म रिलीज से पहले सबसे महत्वपूर्ण काम को वो निपटा चुके हैं। जी हाँ, अजय देवगन के बादशाहों को सेंसर बोर्ड ने बिना किसी कट के पास कर दिया है। बता दें, मिलन लुथरिया के निर्देशन में बनी ये फिल्म 1 सितंबर बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने के लिए तैयार है। इस फिल्म से वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की तिकड़ी, अजय देवगन, इमरान हाशमी और डायरेक्टर मिलन लुथरिया वापसी करने जा रहे हैं। इनके अलावा इलियाना डी क्रूज, ईशा गुप्ता और विद्युत जामवाल भी मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। इस फिल्म की कहानी 1975 की इमरजेंसी के दौरान हुए सोने की स्मगलिंग पर आधारित है। फिल्म में इमरजेंसी की असली फुटेज भी डाली गई है। जाहिर सी बात है, इस फिल्म पर काफी रिसर्च की गई है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपना सुझाव बताएं और कॉमेंट करें।